Hey guys, what's up? This is Sohan Kumar. Welcome back in Advanced English Grammar Classes. So let's begin without wasting any time. आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के बारे में, जिसकी पहचान है से रहा है, से रही है, से रहे हैं और से रहा हूँ. फॉर एग्जाम्पल, वह 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा है. वह 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रही है. वे 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहे हैं. मैं 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा हूँ. तो इस तरीके से पहचान है इसकी. लास्ट टाइम हमने बात की थी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के बारे में. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की पहचान थी रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ. वहाँ पर से वर्ड नहीं था, जैसे मैं कहता हूँ इसी एग्जाम्पल को कि वह पुस्तक पढ़ रहा है, वह पुस्तक पढ़ रहा है. ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस. और जो ये है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. दोनों टेंसेस में 2 फर्क हैं. पहला फर्क है से का, यहाँ पर से है, यहाँ पर से नहीं है. दूसरा फर्क क्या है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में, टाइम को इम्पोर्टेंस दी जाती है और यहाँ पर एक्शन को इम्पोर्टेंस दी जाती है. यहाँ पर समय को इम्पोर्टेंस दी जाती है और यहाँ पर कार्य को. ये फ़र्क है दोनों में. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हम कह रहे हैं कि वह 2 घंटे से पढ़ रहे हैं. यहाँ पर पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पर इम्पोर्टेंट है टाइम कि उसको 2 घंटे हो गए पढ़ते हुए, काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हैं. और वह पुस्तक पढ़ रहा है, यहाँ पर टाइम नहीं दे रखा पहली बात तो. और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर एक्शन इम्पोर्टेंट है. और एक्शन क्या है? पढ़ना, कि वह पढ़ रहा है, है ना. इसका मतलब वो सिंसियर लड़का है, पढ़ रहा है. तो यहाँ पर क्या है? पढ़ना, ये इम्पोर्टेंट है. और यहाँ पर 2 घंटे टाइम इम्पोर्टेंट है. तो ये फ़र्क है दोनों में. चलो अब हम बात करते हैं इसके इंग्लिश स्ट्रक्चर की. इंग्लिश में हम कैसे लिखेंगे इसको? सब्जेक्ट और हैज बीन, हैव बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हमने क्या लिखा था स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट. देखो दोनों में फर्क क्या है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज एम आर था और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में इज एम आर की जगह हैज बीन और हैव बीन वो है. वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी थी, यहां पर भी है, ये सेम है. लेकिन यहां पर सिंस और फॉर एक्स्ट्रा आ गई. तो सीधी सी बात है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में 2 फर्क हैं. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज एम आर आती है हेल्पिंग वर्ब, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैज बीन, हैव बीन. और दूसरा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में सिंस और फॉर हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में नहीं. ये था दोनों में डिफरेंस. अब देखो, अब हम बात करेंगे कि कहां पर हम हैज बीन लगाएंगे और कहां पर हैव बीन. उसके बाद हम बात करेंगे कहां पर सिंस लगाएंगे, कहां पर फॉर. सबसे पहले हम बात करते हैं हैज बीन और हैव बीन की. देखो अगर मैं कहता हूं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, लगेगा हैज बीन. एकवचन कर्ता के साथ, जो एकवचन है उसके साथ क्या लगता है? हैज बीन. और जो प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट बहुवचन कर्ता है, इसके साथ लगेगा हैव बीन. तो सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट हैज बीन और हैव बीन. लेकिन ये बात पूर्णतः सही नहीं है, ये है 98% सही. ये बात क्या है? 98% सही है. 100% सही बात मैंने क्या बताई है? 100% सही बात ये है, इसको चेक करना पर्सन के माध्यम से. जैसे मैंने बताया था आपको, फर्स्ट पर्सन में आते हैं 2 वर्ड,
आई और वी। सेकंड पर्सन में आते हैं एक वर्ड यू, और थर्ड पर्सन में आते हैं चार वर्ड ही शी इट और दे। सही रूल ये है हैज बिन और हैव बिन को लगाने का कि जो फर्स्ट पर्सन आई वी है इसके साथ लगेगा हैव बिन, सेकंड पर्सन यू के साथ हैव बिन, ही सीट के साथ हैज बिन और दे के साथ हैव बिन। देखो क्योंकि अगर हम इस रूल के हिसाब से चलते तो सिंगुलर सब्जेक्ट हैज बिन, ही सीट सिंगुलर है हैज बिन, ये बात सही है। प्लूरल सब्जेक्ट हैव बिन, दे प्लूरल है, हैव बिन सही है। वी क्या है प्लूरल, हैव बिन लगेगा सही है। लेकिन आई और यू सिंगुलर है फिर भी सिंगुलर होते हुए इनके साथ क्या लगता है, हैव बिन लगता है। इस रूल के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो हैज बिन लगना चाहिए, लेकिन मैंने बताया आपको पहली वीडियो में भी कि आई और यू हमेशा अलग चलते हैं, ये अपने साथ वो वर्ब लेते हैं जो वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगती है, ठीक है ना। तो ये एक्सेप्शन है, तो इनके साथ हैव बिन लगेगा। अब देखो दूसरी बात हम करते हैं सिंस और फॉर की, कहां पर सिंस लगेगा कहां पर फॉर। पॉइंट ऑफ टाइम के साथ लगता है सिंस, जिसको हम निश्चित समय भी बोल देते हैं, और ड्यूरेशन ऑफ टाइम जिसको अनिश्चित समय बोला जाता है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम समय अवधि, समय अवधि के साथ यूज किया जाता है फॉर। और यहां पर जो दोनों वर्ड है ना सिंस और फॉर, इन दोनों का मीनिंग होता है सी। वैसे तो सिंस का मीनिंग क्योंकि होता है, फॉर का मीनिंग के लिए होता है, दिस बुक इज फॉर मी के लिए, लेकिन यहां पर इस टेंस में सिंस और फॉर का मीनिंग से है। एक बात अब देखो, ये है घड़ी, मान लो ये है घड़ी, और मैं कहता हूं कि वह 3 घंटे से एक पुस्तक पढ़ रहा है, 3 घंटे से, यह है 3। दूसरा मैं कहता हूं कि 3 बजे से, एक बात मैं कहता हूं कि वह 3 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा है, दूसरी बात है 3 बजे से पुस्तक पढ़ रहा है। देखो दोनों में फर्क क्या है, जब मैं कहता हूं कि 3 बजे से पुस्तक पढ़ रहा है ये पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम 12 बजे से पढ़ रहा है पॉइंट ऑफ टाइम है, 9 बजे से पढ़ रहा है पॉइंट ऑफ टाइम है, 6 बजे से पढ़ रहा है पॉइंट ऑफ टाइम है, तो मैं इसको कहूंगा सिंस 3 o'clock, इसका मतलब हुआ 3 बजे से। ओ क्लॉक को हम लिखते हैं बजे से के लिए, और अगर मैं कहता हूँ 3 घंटे से उसके साथ लगेगा 4 3 hours, इसका मीनिंग क्या हुआ 3 घंटे से। 3 बजे से मैंने कहा वो पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम समय अवधि। जब मैं कहता हूँ 3 घंटे से पढ़ रहा है, कौन से 3 घंटे, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3, कौन सी अवधि है वो 3 घंटे की जिससे मैं पढ़ रहा हूँ, तो अवधि को दिखाने के लिए हम यूज करते हैं ये 4, और घंटों को इंग्लिश में लिखते हैं ऐसे 3 hours या 4 hours, और बजे को 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock, ये बात। अब देखिए जैसे मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ, अब मैं कहता हूँ कि मैं 3 घंटे से एक पुस्तक पढ़ रहा हूँ, तो आई के साथ लगेगा हैव बिन, आई हैव बिन रीडिंग अ बुक 3 घंटे से, या 3 बजे से कहता हूँ मैं,
सिंस थ्री ओ क्लॉक। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि मैं 3 बजे से एक पुस्तक पढ़ रहा हूँ, हम 3 बजे से एक पुस्तक पढ़ रहे हैं। तो आई की जगह लगेगा वी, वी के साथ लगता है हैव बीन, वी हैव बीन रीडिंग ए बुक सिंस 3 o'clock। तुम 3 बजे से एक पुस्तक पढ़ रहे हो, यू हैव बीन रीडिंग अ बुक सिंस 3 o'clock। वह 3 बजे से एक पुस्तक पढ़ रहा है, ही हैज़ बीन रीडिंग ए बुक सिंस 3 o'clock। वह 3 बजे से एक पुस्तक पढ़ रही हैं, सी हैज़ बीन रीडिंग ए बुक सिंस 3 o'clock। वे 3 बजे से एक पुस्तक पढ़ रहे हैं, दे हैव बीन रीडिंग ए बुक सिंस 3 o'clock। और अगर मैं कहता कि मैं 3 घंटे से एक पुस्तक पढ़ रहा हूँ, 3 घंटे से, तो मैं कहता हूँ आई हैव बीन रीडिंग अ बुक 4 3 hours। हम 3 घंटे से एक पुस्तक पढ़ रहे हैं, वी हैव बीन रीडिंग अ बुक 4 3 hours। तो यह हैज़ बीन, हैव बीन और सिंस और फोर। सिंस और फोर के बारे में हम थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं कि सिंस और फोर को और हम कहाँ पर लगाते हैं। ये तो मैंने सिर्फ आपको एक यूज ही बताया, बजे का और घंटे का। देखो मैं बात करता हूँ सिंस की, सिंस पहला यूज है सिंस का, मैं कहता हूँ कि सिंस, ये तो मैं बता चुका आपको, सिंस 4 o'clock, सिंस 5 o'clock, तो इनके साथ लगेगा सिंस। उसके बाद हम बात करते हैं दिन की, सिंस मंडे, सिंस संडे, सिंस संडे, सिंस ट्यूसडे एटसेट्रा। अब देखो मैं कहता हूं कि मैं मंडे से इस ऑफिस में काम कर रहा हूं, तो मैं क्या कहूंगा, आई हैव बीन वर्किंग, आई हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस, इन दिस ऑफिस सिंस मंडे या सिंस संडे। तो ये है दूसरा यूज। उसके बाद है मंडे, डे आ गए ना, तो देखो अगर डेज के नाम दे रखे हैं तो हम सिंस लगाएंगे, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे। उसके बाद हम दिन पर भी ठहरते हैं, जैसे हम कहते हैं कि मैं सुबह से पुस्तक पढ़ रहा हूँ, या मैं शाम से ये पुस्तक पढ़ रहा हूँ, तो वो भी दिन है, सुबह शाम। अब देखो फर्क क्या है, वीक के 7 days हैं, 1 2 3 4 5 6 7, हमें पता है संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे। तो संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे इनके साथ हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे, फोर लगाएंगे, पहली बात। उसके बाद आपको पता है जैसे संडे है, अब संडे दिन है, तो दिन के अंदर हमें पता है कोई दिन है संडे, संडे के अंदर हमें पता है 4 चीज़ें आएंगी। पहली चीज़ है मॉर्निंग, मॉर्निंग, उसके बाद नून, उसके बाद आफ्टरनून, और उसके बाद इवनिंग। ये हर दिन का हिस्सा है, ये सिर्फ संडे की बात नहीं है, मंडे के साथ भी ऐसा ही होगा। तो 4 पार्ट है, सुबह, दोपहर, दोपहर के बाद का टाइम और शाम। अब मॉर्निंग, नून, आफ्टरनून, इवनिंग, इनके साथ भी हम सिंस लगाएंगे, ये मेरा पॉइंट था। तो मैं लिखूंगा सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, सिंस नून,
सिंस आफ्टरनून और सिंस इवनिंग। ये पॉइंट कंफ्यूज करता है कई बार आपको, क्योंकि जब आपको ये बात बताई जाती है कि पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस और ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ फोर, वो तो बात सही है, लेकिन कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हो कि निश्चित समय के साथ सिंस और अनिश्चित समय के साथ फोर, वो बात है ना आपको बताई जाती है, वो बात पूर्णतः सही नहीं है, 98% सही है। सही बात क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम और ड्यूरेशन ऑफ टाइम। क्यों? क्योंकि वहाँ पर, यहाँ पर आकर इस रूल में वो बात फंस जाती है। फंस कैसे जाती है? जब मैं कहता हूँ कि सुबह से बारिश हो रही है, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। अब हम सोचते हैं कि सिंस सुबह से बारिश हो रही है, ये तो अनिश्चित हुआ। क्यों? क्योंकि मॉर्निंग है ना, सुबह का टाइम तो 6 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक है, तो उसमें 6 सुबह के 6 सुबह के 7 कौन सा टाइम? निश्चित नहीं हुआ ना, हमें क्या लगता है, वो अनिश्चित है। तो वो हम हिंदी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको समझते हैं, हमें इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है कि वो पॉइंट ऑफ टाइम है। पॉइंट ऑफ टाइम कैसे हैं कि दिन का पॉइंट ऑफ टाइम तो एक तो ये है पॉइंट कि मॉर्निंग है, दूसरा पॉइंट क्या है, नून, तीसरा है आफ्टरनून, फोर्थ क्या है, इवनिंग। तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए सिंस लगेगा। तो सिंस और फोर्थ। उसके बाद हम बात करते हैं सिंस के कुछ और यूजेज की। तो अभी तक हमने बात की सिंस की बजे के सेंस में, उसके बाद मंडे संडे के सेंस में, उसके बाद मॉर्निंग इवनिंग के सेंस में। डे के बाद आते हैं वीक्स, वीक्स के साथ सेंस नहीं लगता हूं। उसके बाद आते हैं मंथ। तो मैं जैसे कहता हूं कि सिंस जनवरी, सिंस मार्च, सिंस अप्रैल एटसेट्रा, ऐसे मंथ के साथ भी सिंस लगता है। जैसे मैं कहता हूं कि ही हैज बीन टीचिंग, ही हैज बीन टीचिंग इन दिस कॉलेज, इन दिस कॉलेज फॉर 5 ईयर्स, वो इस कॉलेज में 5 साल से पढ़ा रहा है। फॉर 5 ईयर्स नहीं आएगा, ये बात कर रहे हैं हम सिंस की। वह इस कॉलेज में जनवरी से पढ़ा रहा है, सिंस जनवरी, तो सिंस लगा। उसके बाद सिंस के कुछ और यूजेज हैं, सिंस यस्टरडे, कल से, और सिंस बर्थ, जन्म से, है ना। वो कल से यहाँ रह रहा है, वो जन्म से इसी टाउन में रह रहा है। ही हैज बीन लिविंग इन दिस टाउन सिंस बर्थ, जन्म से। उसके बाद हम यूज करते हैं फोर की बातें। फोर कहाँ पर यूज किया जाता है? फोर का पहला यूज मैंने बताया आपको टाइम के साथ, जैसे 4 2 सेकेंड्स। टाइम की जो सबसे छोटी यूनिट है सेकंड, वहां से टाइम शुरू होता है, 4 2 सेकेंड्स, या मैं कहता हूं सेकंड्स के बाद मिनट्स, 4 2 मिनट्स, 4 2 मिनट्स, मिनट के बाद आवर्स, 4 2 आवर्स। तो इनके साथ लगता है 4, क्योंकि ये अवधि है, 2 सेकंड की अवधि, वो भी 2 सेकंड की अवधि है, 2 मिनट की अवधि, 2 घंटे की अवधि। उसके बाद हम चलते हैं अवधि के बाद हम बात करते हैं
हमने दिन की बात की थी कि सिंस मंडे सिंस संडे वो दिन है, तो दिन की अवधि हो सकती है जैसे दो दिन से, फॉर टू डेज। डेज के बाद क्या आते हैं वीक, फॉर टू वीक्स। वीक्स के बाद क्या आते हैं मंथ्स, फॉर टू मंथ्स। उसके बाद क्या आते हैं ईयर, फॉर टू ईयर। यहां पर एक पॉइंट और रह जाता है, वो क्या था ऊपर ले देता हूं मैं। यहां पर हमने मंथ की बात की थी ना, मंथ की बात, मंथ के बाद ईयर आते हैं और ईयर के साथ लगता है सिंस। जैसे मैं कहता हूं कि सिंस 2003, सिंस 1995, है ना। मैं कहता हूँ ही हैज़ बीन लिविंग हेयर सिंस 1995, 1995 से वह यहाँ रह रहा है सिंस। देखो बात, दिन यहाँ पर भी आए थे, मंथ्स भी आए थे और ईयर भी आए थे। दिन यहाँ पर भी हैं लेकिन यहाँ पर अवधि है, वहाँ पर वीक नहीं थे लेकिन यहाँ पर वीक है। वीक की अवधि दो सप्ताह, फॉर टू मंथ्स दो महीने से, फॉर टू ईयर्स दो साल से। यहाँ पर एग्जैक्ट टाइम है, यहाँ पर ड्यूरेशन है। तो यहाँ पर हो सकता है कि वो दो साल से यहाँ पर रह रहा है, ही हैज़ बीन लिविंग हेयर फॉर टू ईयर्स। फिर क्या लग जाता, फॉर टू ईयर्स। तो ये उसके बाद फोर का एक यूज और है, वो है फॉर अ वाइल। फॉर अ वाइल का मीनिंग होता है कुछ देर से, कुछ देर से। इसके साथ भी फोर लगेगा, फॉर अ वाइल या फॉर अ लॉन्ग टाइम। फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफी देर से, काफी देर से। तो ये भी अवधि है कि मैं कुछ देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, इसका मतलब अवधि है। कुछ देर से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, हो सकता है कुछ मिनटों से मैं इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर टाइम स्पेसिफिक नहीं है। अगर मैं कुछ देर से इंतजार कर रहा हूँ, इसका मतलब वो फिक्स टाइम नहीं बताना चाह रहा, कुछ टाइम हो गया होगा उसको। तो हम कैसे कह सकते हैं, आई हैव बिन वेटिंग फॉर यू। देखो यहाँ पर फोर का मीनिंग के लिए है, तुम्हारा, तुम्हारे लिए फोर का मीनिंग, फॉर अ वाइल। और इस फोर का मीनिंग क्या है, से, फॉर अ वाइल कुछ देर से। मैं काफ़ी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, आई हैव बिन वेटिंग फॉर यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी देर से। तो ये हो जाएगा, काफ़ी देर से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तो ये बात थी सिंस और फोर की। अभी तक हमने बात की है एफर्मेटिव सेंटेंस की। अब अगर हमें इसको लिखना हो नेगेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव में कि मैं काफ़ी देर से तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर रहा, सुबह से बारिश नहीं हो रही, ऐसे सेंटेंस, तो उनको हम इंग्लिश में लिखेंगे सब्जेक्ट हैव नॉट बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस और फोर। इस रूल में सिर्फ एक पॉइंट हमें ध्यान में रखना है कि नोट है ना, नोट हैज़ बीन और हैव बीन के बीच में लगेगा। कई बार हम गलती करते हैं, हम सोचते हैं कि हैज़ बीन के बाद नोट लगेगा, हैज़ बीन नोट, वो गलत है। हैव बीन नोट वो गलत है, बीच में आएगा। अब देखो नेगेटिव हमें अगर सेंटेंस को बनाना है, मैं कहता हूँ कि मैं कुछ देर से तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा, आई हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर यू फॉर अ वाइल, तो ये है नेगेटिव। थर्ड टाइप है इसका इंटरोगेटिव, प्रश्नवाचक। जैसे हम कहते हैं क्या सुबह से बारिश हो रही है, क्या वह दो घंटे से पुस्तक पढ़ रहा है, तो इस तरह की सेंटेंस हम किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे, उसका स्ट्रक्चर क्या है इंग्लिश में, उसका स्ट्रक्चर ये है इंटरोगेटिव
हैज और हैव को हम आगे लेकर आएंगे, यहाँ पर भी गलती करते हैं। हेल्पिंग वर्ब को आगे लेकर आना है सिर्फ हैज और हैव को, जो फर्स्ट है। जैसे हैज बिन में फर्स्ट क्या है, हैज, और हैव बिन में फर्स्ट क्या है, हैव। तो हम हैज और हैव को आगे लेकर आएंगे, सब्जेक्ट बीन रह गया, बीन को हम लिखेंगे सब्जेक्ट के बाद, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस और फोर। जैसे मैं कहता हूँ, क्या वह कुछ देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा है, क्या वह कुछ देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा है, हैज ही बीन वेटिंग फॉर यू फॉर अ वाइल, फॉर अ वाइल, कुछ देर से। तो ये था इंटरोगेटिव। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसकी यूजेज की, कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में, एग्ज़ाम में इसको कैसे पूछा जा सकता है, स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल और कॉम्पिटिटिव लेवल पर। सो दैट्स इट फ्रॉम द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।